दर्शकों को स्वागत है आपका वनी सही एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। रामलीला मैदान में चल रही श्री राम की लीलाओं को देखने पहुंचे लोग, हुआ राम रावण युद्ध। जत्रापुरा क्षेत्र निवासी एक युवक पर हुआ धारदार हथियार से हमला, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। और LIC कार्यालय के सामने कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन, LIC का पैसा अडानी ग्रुप को लाभ पहुंचाने की कही बात। अब खबर विस्तार से। विदिशा के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में श्री राम की लीलाओं का मंचन विगत 122 वर्षों से होता चला आ रहा है। श्री राम और रावण युद्ध को देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बहुत लोग पहुंचे और श्री राम की लीलाओं का मंचन देखा। Thank you.
तहसील सिरोंज ग्राम गोपाल नगर निवासी राम बाबू शर्मा पुत्र कंचेदीलाल शर्मा के खाते से हेरा फेरी कर 8,14,280 रुपए की राशि दीप नखेड़ा के समिति प्रबंधक शिवचरण शर्मा द्वारा निकाले जाने की बात प्रेस वार्ता के दौरान कही गई। एसडीएम द्वारा कार्रवाई न होने की बात भी प्रेस वार्ता के दौरान हुई। जी, गोपाल दीप नखेड़ा सोसाइटी में काम करा था सोसाइटी का, उसमें से 2,83,000 2021 में निकाल लिए गए सेक्रेटरी द्वारा। सेक्रेटरी के नाम जी सेक्रेटरी ने चेक ले लिए थे गारंटी के तौर पर और चेक साइन करवा के निकाल लिए गए। सेक्रेटरी का नाम सत्यरंग शर्मा दीप नखेड़ा सोसाइटी। 2022 में 5,30,000 रुपये वो चेक द्वारा निकाल लिए गए, उसका भुगतान कराने के लिए शिकायत की गई। शिकायत की ना यहाँ कब वो भुगतान कौन का आपका होना था? भुगतान मेरा होना मेरा। अच्छा, चेक आपने साइन करके दे दी थी? साइन कर और गारंटी तौर पर ले लिए थे, गारंटी के तौर पर बाल्टी बाल्टी जिला अध्यक्ष सपक समाज दिशा। ये रामबाबू शर्मा हैं, गोपालगंज के निवासी हैं। दीपना कीड़ा सोसाइटी में जो सरकारी गेहूं तोल रहता है उसमें हम मालिक का ठेका लिया हुआ था, और जो शिवचरण शर्मा है सर्किट्री उनने इनसे 4 चेक 2021 को और 3 चेक 2022 में एज ए सिक्योरिटी लिया था कि अगर कम बड़ होता है तो उससे ये उनका भुगतान कर लेंगे, लेकिन कम बड़ कुछ हुआ नहीं। उन्होंने 2,13,000 2021 में और 5,30,000 2022 में इनकी बिना सूचना के राशि इनके खाते से निकाल ली उन ब्लैंक चेकों के थ्रू। इस तरह 8,14,280 रुपये का ये टोटल मामला है। इन्हों को जब जानकारी लगी इनको, तो इन्होंने जो ब्रांच मैनेजर है उनको आवेदन दिया, जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने जो मुख्य प्रबंधक हैं विनय प्रकाश जी उनके आवेदन दिया, उन्होंने ये चीज मानी कि हाँ इसमें गलती हुई है शिवचरण शर्मा जी की, उन्होंने गलत तरीके से सर पेमेंट निकाला है। उनने जांच भी बैठाई, आज जांच को भी 3 महीना हो गया है लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि शिवचरण शर्मा जी को कोई राजनीतिक रसूख उनका है, कोई उनका सहयोग इसमें कर रहा है। ब्लैंक चेक देना या ये कानूनी आप खुद का स्वयं का अपराध नहीं है कि हमने ब्लैंक चेक दिया उनको? नहीं, ये क्या पढ़े लिखे कम है, इनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, उन्होंने जैसा इनसे कहा इन्होंने वैसा कर लिया, क्योंकि शिवचरण शर्मा जी की गलती है कि उन्होंने ब्लैंक चेक दिया। वो तो पढ़े लिखे बैंक के सेक्रेटरी हैं, नियम कानून 8,14,280 का घोटाला है। ये 3 बार कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दे चुके हैं, ये चाहते हैं कि इनकी सुनवाई हो। ये गरीब व्यक्ति हैं, हम मालों को इनको रुपया देना है, हम माल इनको प्रेशर कर रहे हैं, ये मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। कल ये अगर कोई गलत कदम उठा लें, आजकल वैसे भी विदिशा जिले में बहुत ज़्यादा जहर खाने की या आत्महत्या करने की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो प्रशासन को चाहिए जो कलेक्टर महोदय और विनय प्रकाश जी हैं इस पर यथाशीघ्र संज्ञान लें कि कोई बड़ी घटना घटित ना हो जाए। हमारा बस यही निवेदन है कि इनका जो 8,14,000 है वो राशि शिवचरण शर्मा जी ने इनको दिलाए। जत्रापुरा निवासी प्रजापति समाज के एक युवक पर उसी क्षेत्र के कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। 10 से 12 टाके आए। घायल युवक की माँ और भाई ने दी जानकारी। कहाँ रहते आप? हमारे गली में। ये कौन है आपके भाई? है भाई। क्या नाम है इनका? माइन प्रजापति। कहाँ रहते हैं? कुमार गली। क्या हुआ इनके साथ? ये दुकान के लिए निकले थे घर से, तो पीछे से इनके सिर में राड मार दी है। सुबह 9:30 के समथिंग काय से मार किया? राड मारा, फरसा वगैरह धारदार हथियार से। कितने टाके बग रहा है? 28। कहाँ चोट लगी है? सिर में लगी है, हाथ फ्रैक्चर है, पैर फ्रैक्चर है। और भाई नाम है जी, मेरे पति है नहीं है, मेरा लड़का काम करने के लिए जा रहा था, इन लोगों ने खेल के मारा। किनने मारा? सूरज खटी, पवन खटी, राजू पठान। कहाँ के रहने वाले? सालू पठान। कहाँ के रहने वाले? रहने वाले कहाँ के हैं? विदिशा के हैं। कौन सा मोहल्ला? ललकपुराम। कोई बात, कोई वजह? कोई वजह नहीं, वो तो काम करने के लिए दुकान खोलने जा रहा था, हैं तो इन लोगों ने घेर। काजी दुकान करते हैं जी? काजी दुकान है? दुकान सिलाई की, यही मजदूरी करता है लड़का। कब की घटना है ये? सवेरे जा रही है तो 9:30। काय से मार किया? हैं, काय से मारा? वो धारदार वो है ना, उनके कुछ औजार राड है, राड है। तो राड कितने टाके वगैरह कहाँ कहाँ लगी है? टाके का बताया ही नहीं है उन्होंने, कितने आए, कितने टाके आए? 28 टाके आए हैं। इंदिरा कॉम्प्लेक्स स्थित LIC कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप को लाभ पहुंचाया गया है, LIC के निवेशकों के लिए भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। विधायक शशांक भार्गव और कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सलाकारी ने दी जानकारी।
सुनिए आप उनका क्या कहना है। चूंकि आप एक अच्छे प्रतिष्ठित वकील हैं, टैक्स का आपका एक बड़ी प्रैक्टिस है, तो आज अंशुज भाई हो सकता है हमको आप मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करें। धन्यवाद आनंद भैया, सम्मानीय मंच। और उसमें ये पाया कि LIC और SBI के शेयर्स, SBI और LIC ने अडानी को पैसा दिया उसके शेयर खरीदने के लिए, और ये हुआ इसलिए कि हम सब जानते हैं कि देश में जो हमारे रहनुमा बैठे हैं माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के इशारों पर ये काम हुआ। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला कि हम दो हमारे दो वाला मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि जनता का पैसा है और इसका दुरुपयोग केंद्र में बैठी सरकार कर रही है, जिसकी वजह से आम जनता का जो पैसा है वो खतरे में है। ऐसे पूर्व में भी कई उदाहरण हमारे यहाँ हुए, सहारा कंपनी ने भी यही काम किया था, उसने इन्वेस्टरों से पैसा लिया, पैसा लेने के बाद जमीनें खरीदी, और उसका ताजा उदाहरण विदिशा में उन्होंने करीब 150-200 बीघा जमीन खरीदी और विदिशा जिले का 1,000 करोड़ रुपया सहारा कंपनी के इन्वेस्टर्स को देना है। लेकिन आज ये हालत है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो जगह जगह गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनका एक भी रुपया वापस नहीं मिल रहा। द्वारा जनता की लूट को पर्दाफाश करने के लिए LIC ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनका पाई पाई वापस कराया जाए, जिससे कि गरीब आदमी का नुकसान ना हो। यही हमारी इसमें दोषी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के इशारों पर एक कंपनी अडानी को ये पैसा दिया गया और उसने उसका दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके उसे दूसरी जगह इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से उनके शेयर्स गिरे और शेयर्स गिरे। एक तो उस इन्वेस्टर को नुकसान हुआ जिसने अडानी ने इन्वेस्ट किया, और दूसरा नुकसान LIC का अनऑथराइज तरीके से जो पैसा उन्हें दिया है वो LIC के इन्वेस्टर को नुकसान। इसका खुलासा कैसे हुआ? इसका खुलासा हुआ, हेडनवर कंपनी है एक विदेश, उसने इसकी जांच की और जांच करने के बाद उन्हें खुला, क्योंकि हिंदुस्तान में तो लोग बिके हुए हैं, मीडिया बिकी हुई है पूरी, जिसकी वजह से उसका पर्दाफाश नहीं किया। लेकिन पहले सहारा के साथ भी यही सहारा की जमीन यहाँ पर थी, उसे राज्य सरकार ने परमिशन दे के भेज दी, जबकि 1,000 करोड़ रुपया करीब करीब पूरे विदिशा जिले के लोगों का देना है, लेकिन आज आप सभी को मालूम है कि अडानी समूह में जो शेयर घोटाला हुआ है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है तो हमारे देश का आम नागरिक है, जिसने अपनी मेहनत की कमाई LIC में लगा रखी। LIC हमारी पब्लिक सेक्टर की वो कंपनी है वित्तीय, इसकी जड़ें बहुत मजबूत थी और देश के इतिहास में पहली दफ़े उसकी जड़ों को खोखला करने का काम मोदी सरकार ने किया है। हमें उन करोड़ों पॉलिसी धारकों की भविष्य की चिंता है, जिनके लगभग मैं समझता हूँ कि आधे से अधिक शेयर वैल्यू आधी रह गई है। जो बोनस दिया जाता था LIC को वो प्रभावित हुआ है, इस तरह से हमारे आम आदमी को जो नुकसान हुआ है, इसी तरह से जो SBI में जो 80,000 करोड़ का जो निवेश है अडानी समूह में, जब दुनिया के शेयर बाजार में अडानी समूह के शेयर आधे से कम रह गए, ये बड़ी चिंता की बात है। ये पैसा कैसे वसूल होगा, हम उसी के लिए मांग कर रहे हैं कि कम से कम इसकी जांच हो, संसद में चर्चा हो, इसी को लेकर हम लोगों ने धरना प्रदेश व्यापी आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन, ये हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जन कर रहे हैं, लगभग पूरे देश में जो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया है वो हर जिला मुख्यालय पर। धन्यवाद।
अनाज दलहन संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए राधेश्याम माहेश्वरी ने प्रतिद्वंदी को 98 मतों से हराया। निर्वाचन अधिकारी घनश्याम बंसल से हुई चर्चा। अरे कितने भी चले आप आधे जहाँ का चुनाव थी आज, इसमें किस तरीके की? आज विदिशा व्यापार महासंघ के सबसे बड़े घटक अनाज तलन संघ के निर्वाचन का कार्यक्रम था। सुबह से ही व्यापारियों में बहुत उत्सुकता और एक उत्साह और उमंग का माहौल था। बहुत व्यवस्थित ढंग से मतदान की व्यवस्था की गई थी। 266 मतदाताओं ने अपने मतदान का उपयोग किया और श्री राधेश्याम जी महेश्वरी अध्यक्ष पद के लिए, महेंद्र जी जैन महामंत्री पद के लिए और सुरेश जी अग्रवाल मंत्री पद के लिए और ओम प्रकाश जी पाटोदिया कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए। इसी प्रकार विदिशा व्यापार महासंघ में अनाज तलन संघ से 4 डायरेक्टरों का चयन होना होता है, उसके लिए 5 व्यवसायियों ने अपने फार्म भरे थे, जिसमें से वही कुलदीप जी गुप्ता, मयंक अग्रवाल, प्रेम नारायण जी साहू, राकेश बंसल निर्वाचित घोषित किए गए, विपिन जैन पराजित हुए। राधेश्याम महेश्वरी जी अपने प्रतिनिधि से कितने मत जीते? राधेश्याम जी महेश्वरी को 182 मत प्राप्त हुए हैं 266 से और उनके प्रतिद्वंदी विनोद जी जैन को 84 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार करीब 98 वोटों से राधेश्याम जी महेश्वरी निर्वाचित घोषित किए गए। आपको भारी बहुमत से जीत मिली थी, किस तरीके से आप मंडी के किसानों की हक की लड़ाई? निरंतर कार्य करना और व्यापारियों से मिलना जुलना, उनका हमेशा उनके बीच में रहना, यही मुझे लगा कि 7 साल बाद भी पुनः मुझे तीसरी बार लगातार निर्वाचित किया है और अपने इस कार्यकाल में मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मंडी के प्लाटों का निराकरण होना, सभी व्यापारियों के कम दरों में प्लाट मिलें और वहाँ की प्लाट बदले प्लाट मिले और मंडी विस्तारित हो, वहाँ पर स्थापित हो जाए, ये प्राथमिकता मेरी इस कार्यकाल में रहेगी। ये जो अभी वर्तमान में अपना जो तीसरा लेग अभी समस्या बना हुआ है, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? ये मार्च तक उतर रहा है, काम चालू है, उससे अभी हमें कोई वादा नहीं आ रही। अभी सीजन हमारा अप्रैल से चालू होगा, जब तक चालू हो जाएगा ऐसा संभावना। मैं सारे व्यापारियों की जो भी समस्या होगी मेरे पास आएगी, मैं उनके लिए जुझारू अध्यक्ष जी के साथ पूरी टीम के साथ मिलकर काम करूँगा, लड़ूंगा, ईमानदारी से जो भी काम होगा मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, ऐसा मेरा। विकास यात्रा का शुभारंभ गुलाबगंज से हो गया है। विकास यात्रा पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से हुई चर्चा। का जो कार्य है ये अब प्रारंभ होगा 2-3 महीने बाद। इसके लिए हम सबसे पहले पंजीयन करते हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि रबी उपार्जन के लिए वर्तमान में गेहूं, चना, मसूर और सरसों चारों का हम पंजीयन कर रहे हैं। इसके लिए हमने 128 अपने पूरे ज़िले में पंजीयन केंद्र बनाए हैं। इन सभी पंजीयन केंद्रों पर गेहूं का भी, चने का भी, मसूर का और सरसों का सभी का पंजीयन हो रहा है और यह काम आज 6 तारीख से प्रारंभ होगा और 28 तारीख तक चलेगा। मेरा विदिशा जिले के सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया करके जो समय सीमा है उसमें अपना पंजीयन अवश्य करा लें। कई बार कई हमारे किसान साथी छूट जाते हैं और डेट बढ़ाने की मांग भी करते हैं, तो मेरा निवेदन है कि सभी किसान भाई जिनको अपना फसल चाहे सरसों हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मसूर हो, जो भी बेचना है उसका पंजीयन अवश्य करा लें। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत गार्ड व सफाई कर्मचारी आज से हड़ताल पर गए थे। उन्होंने बताया कि 2 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है, समझौते के बाद हड़ताल वापस ली। Yeah!
कार्य करते हैं आप? मैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा में कार्य करता हूँ। कौन सी कंपनी है आपकी? UDS कंपनी है। आज आपने हड़ताल की क्या वजह है? हमारी 2 महीने से सैलरी नहीं आई, हमें ये पता नहीं है कंपनी का क्या है क्या मैटर नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। क्या समस्या खड़ी हो रही है? समस्या ये खड़ी हो रही है, हमारे पास किराए देने के पैसे नहीं है। मकान मालिक जहाँ से ड्यूटी से जाते हैं तो रोज पैसे मांगते हैं, और अब मैं क्या ही बताऊं आपको, गांव से आया हूं मैं तो इधर जॉब करने के लिए, क्यों आते हैं गांव से, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं यहां पे आया हूं। तो मेरी 2 महीने से सैलरी नहीं आई है। मेरी क्या सभी लोगों की सैलरी नहीं आई है? सभी की सैलरी नहीं आई है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, मेरे अकेले से मतलब नहीं है। कर्मचारी हैं आप लोग यहाँ पे? 300 साढ़े 300 लगभग है पूरे कर्मचारी। क्या निर्णय लिया आप लोगों? हम लोगों ने ये निर्णय लिया, सब लोगों से बोला था, सब लोग बात करने गए थे, ये हमारी हाउसकीपिंग खड़ी है, इससे बात कीजिए, सभी अधिकारियों से बात की, हाउसकीपिंग ने भी की है और हमने भी की है, लेकिन बोल देते हैं 26 तारीख को आएगी, 27 तारीख को आएगी, 5 तारीख को आएगी, ऐसे करते हैं बस, हमारी कोई सुनवाई भी नहीं। मैं UDS सिक्योरिटी का गार्ड हूँ और यहाँ पर सब लोगों को हड़ताल करने के लिए आए। पिछले विगत 2 माह से सैलरी नहीं डाली है UDS कंपनी ने। UDS से बोलते हैं तो UDS बोलती है कि हमें शासन प्रशासन ने पैसा नहीं दिया, इसलिए हम आपकी सैलरी नहीं दे सकते। और हम लोगों की कोई विशेष मांग नहीं सर, हम तो हमारी पैसा मांग रहे हैं, जो हमने काम किया है ना उसका पैसा मांग रहे हैं। क्या निर्णय लिया है आपने? हम ये निर्णय लिया, जब तक हम लोगों के खाते में सैलरी नहीं आ जाती हम लोग यहाँ से बिल्कुल हिलने वाले नहीं हैं। आप अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो क्या काम प्रभावित होंगे यहाँ पर? अब जो भी हो वो डीन साहब जाने या फिर UDS जाने, प्रशासन लोग भी भाई हमारा क्या घर प्रभावित हो रहा है जो किसी को मालूम है? मेरे घर में 2 किलो आटा नहीं है, मैं क्या खाऊं बताओ? कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? मात्र 8,500 रुपए देते हैं, मतलब कट पिट के। वो भी समय पर नहीं मिल रही, वो भी समय पर नहीं मिल रही, 2-3 महीने काट रहा है और हर चीज पे दबाए जाता है हमारे लिए। सर हम लोगों की वेतन टाइम से नहीं आ रहा और घर में गैस की टंकी खत्म हो गई है, उसके अलावा गेहूं वगैरह भी मोल लेना पड़ते हैं, मतलब दिक्कत पे दिक्कत है। 2 महीने से सैलरी नहीं आई, 3रा महीना लग चुका हमारा। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? सर UDS है हमारी। अधिकारी तो बात नहीं आती? हाँ सर, वो बोलते हैं अगली बार बोल, सोमवार या जाए सर, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सर हम तो यही कह रहा है, स्कूल में फीस नहीं भर पा रहे। निर्णय क्या लिया, क्या करेंगे आप? अभी सर कोई निर्णय नहीं लिया, अभी पैसे नहीं मिले तब घर में हड़ताल करके हमारी मांग पूरी नहीं। मुखर्जी नगर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहन द्वारा रविवार को अपना जीवन शिव को समर्पित किया गया, जहां बारात लगी और फेरे भी लिए गए। परमात्मा की ओर से वरमाला पहनाएंगी, पंडित जी।
साथ सौंप रहे हैं और दिल से भरपूर कुमारी नंदिनी है और प्रॉपर हम भोपाल से हैं और ईश्वरीय सेवा के लिए हम विदिशा सेंटर पर आए हुए हैं। यहाँ पर आके हमने ईश्वरीय सेवा का महत्व जाना और उस महत्व को अपने जीवन में अनुभव किया है और हम चाहते हैं कि हमारा जो तन है, मन है, धन है, वो पूरा पूरा ईश्वरीय सेवा में लगे। और क्योंकि हम विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन देने के लिए आए हैं, तो विश्व परिवर्तन के लिए हमारा तन, हमारा मन लगना चाहिए। लेकिन हम अपना जीवन इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारे साथ साथ आज के समाज की जो युवा पीढ़ी है, स्पेशल तौर पे युवा पीढ़ी, वो भी अपना तन और मन इस ईश्वरीय कार्य में लगाए और विश्व परिवर्तन के इतने बड़े कार्य में अपना सहयोगी बने। नंदिनी, आज आपने विश्व के जो गुरु है, विश्व के जो कर्ता धर्ता है, उनको आपने समर्पित किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बता जानेंगे। तो विश्व के जो गुरु हैं, जैसे हम बहुत से विवेकानंद जी के बारे में सुनते हैं, युवा गुरु उन्हीं को माना जाता है। तो विवेकानंद नंद जी ने भी अपने जीवन में प्योरिटी को लेकर आए थे और वो भारत के अलावा अमेरिका के शिकागो तक गए, पूरे इंटरनेशनल वे में पूरी दुनिया में घूमे और पवित्रता की बात कही और भारत के जीवन की बात, भारत के महत्व की बात दुनिया को बताई कि हम आपस में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। इन लोगों की स्वामी भगवान शिव जी को समर्पण करा, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं बी के रेखा, मुखर्जी नगर सेवा केंद्र 33 से। आज जो ईश्वर के साथ समर्पण किया है नंदिनी बहन ने, तो इस समर्पण से हमको ये शिक्षा मिलती है और आने वाली पीढ़ी को
कि परमात्मा के लिए या संसार के लिए सब लोग यही कहते हैं कि बेटी तो पराए घर जाएगी, बेटी तो पराए घर का धन है। अगर पराए घर भी जाती है तो लोग बोलते हैं कि पराए घर से आई है, और मायके में रहते हैं तो बोलते हैं कि पराए घर जाएंगी। तो यहाँ परमात्मा का साथ हमने जो जीवन समर्पित किया है उससे यही है कि परमात्मा हमारा रक्षक है, रक्षा करता है, परंतु हमारे थ्रू समस्त विश्व की आत्माओं को, समस्त विश्व के मनुष्य आत्माओं को एक नई दिशा, नए जीवन को जीने की कला सिखाता है। तो वही आज नंदिनी बहन ने परमात्मा को अपना जीवन समर्पित करके दिखाया है, और उनके जीवन से अनेक युवा पीढ़ी को ये संदेश मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और सभी के लिए यही संदेश है कि वो भी ऐसा जीवन जिए और परमात्मा के लिए अपना तन मन धन अर्पित करें, क्योंकि ये लास्ट जन्म है, लास्ट का जीवन है, तो पुण्य के कार्य में सफल हो, यही शुभकामनाएँ, शुभ भावनाएँ सबके लिए हैं, और यही नन्ही बहन के लिए। आप उनका जीवन सुखमय और आनंद में बीते परमात्मा के साथ। ताज़ातरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा दिल्ली से एमटी न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।